वाहे खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। अज साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के विआह पुरब दी सारिया संगतां नूं लख लख वधाईयां। ये श्री आनंदपुर साहब तो चल के गुरु कलौर विखे नगर कीर्तन रूप में बरात जा रही है। गुरु रहमत कारण ये जो मर्यादा श्रीमान संत बाबा सेवा सिंह जी कार सेवा किला नंदगढ़ साहब ने जो श्री गुरु कलौर विखे सेवा आरंभ की, उस तो उपरंत जो मर्यादा चालू किया गया कि साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज का विआह गुरु कलौर विखे होया। उस तो लगातार निरंतर नगर कीर्तन जरा गुरु कलौर विखे जाके दसवें पातशाह का विआह जो बड़ी संगत उत्साह ते श्रद्धा नाल मना रही ने। सारिया संगतां नूं लख लख वधाई। महाराज चढ़दी कला कर, रहमत कर, दया कर। चैनल वालियां दी भी बहुत वड्डी उपराला जेड़ा कि संगतां नूं दिखा रहे ने। महाराज कृपा कर, सुख होवे, नाम देता वे, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सरबत दा भला। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। लख लख वधाइयां। महाराज ने कृपा की। इस दिन पातशाह का विआह पुरब हीगा, उस तरह ही नगर कीर्तन जा रहा जंज के रूप में। गुरु कलौर महाराज सारिया संगतां नूं वधाइयां। सारिया संगतां वेखो किड्डी संगत आई आ। सारिया संगतां मना रही महाराज का पुरब। ये सार गुरु कलौर साहब अपना तरबैणी साहब पहलों जाणगे, शेरा साहब, फिर तरबैणी साहब, फिर गुरु कलौर। सारी संगत नूं बधाई। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। फतेह धन धन सतगुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी, जिन्हां दा आनंद कारज माता अजीत कौर जी दे नाल होया गुरु कलौर विखे। सो सतगुरां दे बरात गुरुद्वारा भोरा साहब गुरु के महल तो रवानगी होंदी है। तो उस याद को मुख रखद्या होया श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी तख्त श्री केसगढ़ साहब के समुचे प्रबंध वालों संतां महापुरुषों के सहयोग के नाल धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की छत्र छाया हेठ पंज प्यारे साहबान निशानची साहबान की अगवाई में विशाल नगर कीर्तन बरात रूप में आरंभ होया है। संगत जी बेअंत संगतां ने नगर कीर्तन में शमूलियत की है। आओ सारे आपां उस नगर कीर्तन में हाजरियां भर के गुड़ की खुशियां प्राप्त करिए। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। साहिब कमाल दशमेश पिता साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के ਵਿਆਹ ਪੁਰਬ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਸਾਹਿਬ ਭੋਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਆਰੰਭ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੜਾਅ ਦਰ ਪੜਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਕਲੌਰ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਹੁਣ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ, ਉਹ ਸੱਦੇਵਾਲ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਲੋਤਾ ਮੋੜ ਤੇ ਗੰਗੂਵਾਲ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ੇਲਾ ਘੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੇਹਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਉੱਥੇ ਦੀਵਾਨ ਸੱਜਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ 2 ਵਜੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਏ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤਰਬੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਦੀ जो सेवा होगी, उत्थे संगत गुरमत समागम होएगा छोटा जिहा। उस तो बाद गुरुद्वारा आनंदगढ़ साहब विखे नगर कीर्तन की समाप्ति होगी। सो संगतां नूं अपील है कि गुरु साहब जी के विआह पुरब के संबंध दे विच हुम हुमा के पहुँचो, तो खास करके इन्हां नगर कीर्तन कड्ढण दा तां ही लाभ है जे आपां गुरु साहब जी के दर्शाए मार्ग ते चलीए। संगत नूं मैं अपील करांगा जिथे आपां नगर कीर्तन दे नाल चल रहे हां, उत्थे आपां नूं सफाई वाल भी विशेष ध्यान देना चाहिए। सारे ही जो नगर कीर्तन के पिछे संगत लगी भी है, सफाई भी कर रही है। जो डूने या कोई होर डिस्पोजल प्लेटा ने, मैं जरूर अपील करांगा नाल दी नाल आपां इहदी भी संभाल करी जाइए। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। नानक लेव साध संगत जी सारे नानक लेव संगतां लख लख बधाइयां, क्योंकि अज का एक महान दिन है। क्योंकि अज के दिन ही बहुत चिर बाद सतगुर के परिवार में खुशियां का दिन आया सी। अज के दिन ही साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी की जिहड़ी बरात सी इत्थे ते रवाना हुई सी, क्योंकि उस टाइम जो पिछला समा सी उस टाइम मुगलों ने बड़ा जरब और जुर्म किया। गुरु तेग बहादुर साहब ने जो दिल्ली जाके हिंदू धर्म की रक्षा वास्ते सीस दिता, उस तो बाद खुशियां का दिन आया सी। ये दिन मनाने जिथे बहुत ही गुरु साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के मामा जी वालों कृपाल चंद जी वालों जिन्हों की ड्यूटी लगी सी उन्होंने गुरु का लाहौर बसाया जिथे गुरु लाहौर विखे जिथे पांच जो दस दिन पांच बाजार है जोड़े उत्थे मतलब शुरू किए जिन्होंने लाहौरी बाजार रोपड़ बाजार हुशियारपुर बाजार सरहंदी बाजार जोड़े उत्थे कहते बहुत हज़ारों की गिनती के जोड़ियाँ उत्थे संगत पहुँचाई गई जो ये खुशियां का जोड़ा धूमधाम नाल मना सकन। इस तरह जिथे इतने बहुत ही जी जिस टाइम दसदे जी बरात रवाना हुई उस टाइम बड़े ही नगारे घोड़ सवार ऊँठा के उपर नगारे रख के बजाए गए तो बड़ी धूमधाम नाल जिहड़ी है बरात इस तरह रवाना हुई। अज भी उही पुरातन चीज़ नूं मुख रखदियां होइयां नगारे भी वजदे हन अते घोड़ सवार भी जाते हैं तो गुरु ग्रंथ साहब पंज साहिबान की अगवाई के जोड़ा नगर कीर्तन है इत्थे ते रवाना हुंदा है जिस जिथे सतगुरां ने बड़ी अपार की संगत दे अपार किता कीते हज़ारों की तादाद में जी संगत इत्थे आई हुई है। तो जे फिर भी कोई गलती गल कह गया होवां तां खिमा दा जाचगा इन्ना ही शब्द कहंदा होए फतेह बुलांदा वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज कलगीधर पातशाह साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का 346वां विआह पुरब जो कि समुचे विश्व दी संगतां बहुत ही जोश ते हुम हुमा के मना रही ने। ये उसे ठीक उस तरह जिमें अज तो 346 साल पहला साहब श्री गुरु तेग बहादुर साहब के घर तो ये ब्याह जंज जी चढ़ी सी उस तरीके अज भी ये जंज उस तरीके इतों जी है बरात चढ़ी है जिसने कि गुरु गोबिंद सिंह द्वारा बसाए हुए शहर गुरु के लाहौर विखे जाके पहुँचना। तो ये जो गुरु का लाहौर शहर है ये गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने मुल जमीन खरीद के ये जिहड़ा शहर है वह बसाणा किया क्योंकि गुरु साहब का ब्याह लाहौर शहर होना निश्चित होया सी पर गुरु साहब ने उत्थे जाना उचित ना समझा तो इत्थे ही गुरु का लाहौर शहर जिहड़ा वह बसाया। तो ये जिस तरीके जिस शानो शौकत नाल 346 साल पहला ये बरात चढ़ी सी अज भी उस तरीके पूरे खालसाई जाहो जलौल दे नाल ये बरात जिहड़ी है गुरु के लाहौर जाण वास्ते गुरु तेग बहादुर साहब के घर तो गुरुद्वारा भोरा साहब तो तुर चुकी है। उत्थे कार सेवा का श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का इलाके भर दीआं समुचियां संगतां का बहुत वड्डा जिहड़ा प्रबंध किया होया है। 36 प्रकार के उत्थे व्यंजन भोजन मिठाइयां जिहड़ियां ने वह आई हुई संगत दे सेवा हित जिहड़ियां उत्थे भेंट कीतियां जाणियां ते समुचे ही खालसा पंथ नूं साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के विआह पुरब दी अनेक वार बधाई। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।